आज आप देख सकते हैं कि हमारे अमरावती में तड़ेगांव करके हमारा एक जगह है, जिस गांव में ये 58 ऊंट ट्रैवलिंग कर रहे हैं राजस्थान से हैदराबाद लेके जाने के लिए, और ये ऊंट को, कैमल्स को, इनकी कटाई के लिए इसको लेके जा रहे थे। जहां पे इतने डिस्ट्रिक्ट ये ऊंट ने क्रॉस किए, पर कहीं पर भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई नहीं की, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई इंक्वायरी नहीं लगाई, पूछताछ नहीं की। और जिस तरह जब मुझे इसके बारे में फोन आया तो हमारे अमरावती जिले से हमारे जो आईजी साहब है उनसे कांटेक्ट किया गया, एसपी साहब से कांटेक्ट किया गया, और थानेदार जो तड़ेगांव के हैं उनसे कांटेक्ट किया। तो इमीडिएट में जाके उन्होंने अदर सेकेंड इन विद इन 5-7 मिनट्स इन्हें जाकर इन पे कार्रवाई की, इन्हें पकड़ के वहां रखा गया गौरक्षण में। और उसके बाद जब वो छोटी गौरक्षण में इसका पालन पोषण नहीं कर पाए तो 2 दिन के बाद हमने फाइनली आज ये हमारे अमरावती में लेके आए। और ये 58 ऊंट है, 1200 किलोमीटर ये राजस्थान से चल के इनको हैदराबाद लेके जा रहे थे जहां पर इनकी कटाई होनी थी। तो मुझे लगता है ऐसी तस्री जो इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं और कटाई के लिए करते हैं, मुझे लगता है आज ये पुलिस डिपार्टमेंट के वजह से और कई भले लोगों के वजह से ये 58 ऊंटों की आज जीव जान बचाने का काम हमारे अमरावती के डिपार्टमेंट ने और हम लोगों ने सबने मिलकर इस पे काम किया है। तो मुझे लगता है हम तब तक ये ऊंट को यहाँ से रिलीज नहीं करेंगे तब तक जब तक कोई इसकी गारंटी स्टैम्प पेपर पे और इसकी जवाबदारी ले, तब तक हमें ऊंट को यहाँ से अमरावती से नहीं जाने देंगे। और अमरावती गौरक्षण में हमें इन्हें रखा और इनका देखभाल यहीं करेंगे।